हिमेश जी कैसे गाएंगे समथिंग समथिंग आई लाइक खींच मेरी फोटो भी ओ खींच मेरी फोटो, उन्होंने बाहर से सुन लिया और आई डोंट नो इफ ही नोज टिल डेट कि मैं क्या मस्ती कर रही थी, क्योंकि इतने स्वीट है वो डांटेंगे भी नहीं अगर उनको पता भी चले. सुन ली थी जॉन दैट मेरे हाथ में या इट्स सो डूड शी इज अ Sunidhi is a cool, like I literally every time I think of her, I'm like she's a queen. Yeah. I don't think there's anybody who can ever touch her. Baate, baado mein shaam hui raate, khwabon ke naam hue taare, kahani bunte rahe. She's mad. It was really good. It was amazing. अच्छा मैं पंगे नहीं लूँ. मेरे साथ थ्रू आउट द इंटरव्यू मेरे से अपने से पंगे लिए हैं. Oh my God. जिनकी आवाज बहुत कमाल है और वो करती हैं सिंग. I have आंसर. सब कुछ गलत. यार क्यों? वो करती हैं सिंग और मेरा नाम बोलना जरा. आकांक्षा. दिन बोलिए. सिंग ओनली. I'm also already watching. फर्स्ट वर्ड क्या है? अ कान. तो एयरलाइन आ गया तब भी मुझे लोग आकाशा. मैं स्पेल आउट करती हूँ ए के ए एस ए, वो बीच में एच लिख देते हैं. like, कहाँ से आया? सो इट्स ओके. अ टैटू यू नीड टू हैव. वो टैटू भी पड़ेंगे नहीं ना. आकाशा ऐसा. जब अगर किसी को आप बोलो कि व्हाट्स योर नेम, कैन यू स्पेल इट ए के ए एस ए, ए के ए एस एच ए, क्या मैंने एच बोला? या सो आकाशा काफी बड़ा. मुझे कासा बोला सबसे इजी. कासा क्योंकि पंजाबी मेरे सारे घर पे मुझे कासा बुलाते हैं क्योंकि अ नहीं बोला जाता पंजाबियों से. आई नो कासा. वो नामों को आधे ही बोलते हैं. करिश्मा कृष्मा. श्रद्धा शरदा शरदा. सो या So I'll be starting with the tattoos only you've got on your body. Singing, winging की तो बात हम करेंगे. You've got shukar written in Punjabi. Oh, how do you know that? I can read Punjabi. Let me see. Are you serious? I am Punjabi, madam. क्या बात है यार, तो सीधा मैंने पढ़नी नहीं आती but. अच्छा, फिकर, सबर, शुकर. Yes. And the tattoos she's got यहाँ पे you are enough and sky इधर. ते होर की कुछ लाया है तो इतने sky है ते इतने लिखे है proud to be a cry baby. Oh nice. That you are. And some of the stars came Monday. So when it is being said that you are a singer and as we have got to know from the sutar because you were the sutar only jinhone bataya I'll be speaking in Hindi. Aise bol Punjabi Hindi mix hone wala. Yeah. Phone mein pata lagta si kyon kya si Punjabi ho hunda Punjabi nikal di. Yeah, main parson na ek aur interview kita si Navraj Hans da na. आपने खुद ही आप हमारे सूत्र हैं, इन्होंने खुद ही बताया कि इन्होंने लास्ट दो साल जो है कॉलेज के पूरे नहीं किए. oh, no! यार आज ये सब बातें क्यों हो रही है? मुझे She did the song खींच मेरी फोटो उसी दौरान. Tell me the very first project you got because I have seen you dancing in your home only, na? Yeah. Where? Like somewhere. Okay. I'll tell you where. हाँ, okay. तो ना? Yeah, बाद में. First project मतलब first where I started working on. Project wise गाना तो खींच मेरी फोटो था पहला. उस पहले मैं reality shows से आई हूँ तो India's Raw Star किया. उससे भी पहले मीका सिंह जो मीका जी हैं उनके band में थी मैं 4 साल. तो वो देख रहे थे बचपन से गाना गाती है तो उन्होंने कुछ 16-17 पे डैड को पूछा कि इन्हें इतने भेज दो कॉलेज ना जाके गांधी रहती है शोज ही कर ले. यस एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड एंड देन द फर्स्ट एवर सॉन्ग वाज खींच मेरी फोटो. सो या दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड. खींच मेरी फोटो. हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू सिंग अ हिंदी सॉन्ग बिकॉज़ ऑब्वियसली वी पंजाबी हैव वेरी प्रॉब्लम्स विद द हिंदी वर्ड्स. नहीं बट मेरी सोनी हां बट मैं बॉम्बे से हूं तो हिंदी सॉर्टेड. इनफैक्ट लोगों को शौक होता है जब मैं पंजाबी में बात करती हूं तो लाइक तुसी पंजाब दे बिकॉज़ एवरीबॉडी थिंक्स आई एम फ्रॉम पंजाब ऑर दे थिंक आई एम फ्रॉम दिल्ली बट आई हैव नो रिलेशन विद ईदर ऑफ दोस प्लेसेस. आई एम फ्रॉम बॉम्बे बट हिंदी गाने में कोई डिफिकल्टी नहीं थी. डिफिकल्टी थी किसी में भी नहीं एक्चुअली. हिमेश जी वाज सो ही सच अ कूल पर्सन. वो एक तो एकदम हाइप मैन टाइप्स हैं तो उन्होंने दिया ही गाना ऐसे बोल के सुपर हिट सॉन्ग है आप किल कर दोगे गाओ बस
So you're just like, okay. Tell me the recordings of Kashmiri photo, how you were doing. Because I'm telling you, I have mimicked the actress at home doing your Kashmiri photo. Yeah, it is so nice. Yeah, I love that. Very good picturization. And Mavra is very talented, beautiful. Actually, na, when we start, I made a Kashmiri photo for the song. Tell me the scratch you sung. So it's a big studio. Hota hai. I know. The whole Himesh Ji's setup is... There are like 6-7 people live वो बजा भी रहे होते हैं and Himesh जी नीचे गए थे तो उन्होंने बोला था आप ये गाना गा दो तो पहले मैंने अपने तरीके में गाया था थोड़ी cool सी आवाज tell me that तरीका वो तू खींच मेरी photo भी तू खींच में थोड़ी western touch में फिर ना मैं मस्ती फिर लगवाए तड़के मैं ना मस्ती कर रही थी मैं थोड़ी सी ऐसी मैं नाटक कर रही थी बोल रही थी Himesh जी Himesh ji kaise gayenge something something and I was like khinch meri photo bhi khinch meri photo unhone bahar se sun liya aur I don't know if he knows till date ki main kya masti kar rahi thi kyunki itte sweet hai wo dantenge bhi nahi agar unko pata bhi chale but thodi der ke baad wo andar aaye bolte hain wo abhi tum jo gaati he was listening unko sunai de raha tha main jo band ke sath masti kar rahi thi unhone wo tone mein gaao नाटक से और एकदम नेजल टोन में जो गाया एकदम खींच मेरी फोटो पिया फुल नाटक खींच मेरी फोटो तू खींच मेरी फोटो पिया दैट इज वेरी नाइस दिस वी डिडंट नो बिकॉज़ इट डजंट साउंड लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम नेजल अ लॉट थोड़ा बहुत नखरे वो आई फील लाइक द मोमेंट आप पंजाबी में भी मैं कोई गाना गा रही हूँ द मोमेंट उसमें थोड़े जैसे कदी देख लो वो एथिया भी जो है टपके इज नॉर्मल द मोमेंट छत टपके आवांगी नेजल मींस नाटक especially in a Punjabi tone. And Asha Bhosle is someone who is known for that nakhras and all that. Of course, right? Yes. Growing up. Boom, right? Both of Asha Bhosle is the queen of, that's where I think all of nakhras us and sort all. Of, yeah. Even Shreya is known for the nakhras, she really... No, it's Shreya, Sunidhi, all of them. Right. Sunidhi also. This is very popular song, Oh Woman, yeah. Like, bahut popular, bahut desi tarike se, and local logo se gawaya gaya wo gana. I was checking the making and I was talking to the directors that time when I interviewed Tabu, I got to know that यार बहुत देसी तरीके से बहुत ठेठ like है ना मैं वो जो जैसा folk गाते हैं वो yeah so how do you see the folk music because in Punjab Neha Bhasin is really doing well for that and Satinder Sartaaj for that matter yes so yeah how are you on that यार folk music I feel like especially Punjabi folk अभी आप अगर एक ही वो पंजाबी फोक है जो अभी कल मैं कोई गाना डब करके आई हूँ एंड आई हैव ओनली संग दैट सॉन्ग लाइक 5 times फॉर समवन बिकॉज एक तो इट्स ओपन डोमेन राइट एनीबडी कैन टेक इट रीमेक इट और व्हाटएवर बट इमेजिन उसके एक गाने के कितने आपने निक मेरी अख काशनी कितने लोगों की आवाजों में सुनोगे सो ट्रू डेफिनेटली नेहा भसीन इज द वन हुज पुट दैट ऑन द मैप शी इज गॉटन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड हर and Samiruddin jo music dete hain I think they absolutely killed it bringing them back but like I've heard this in Jasmine's voice and I've heard a few other singers Harshdeep does a lot of folk. I think Punjabi folk is one ek tarah ka folk jo itna not only universal hai but aap socho ki wo kitna logo ko pasand ki koi bore hi nahi ho raha so true repackage hoke aata jata hai so I think it's amazing Yeah. Absolutely amazing. So true it is. Like songs जो मैंने सुने हैं इन नेहा भसीन की आवाज there is लट्ठी दी चादर right there is ले दमड़िया there is thousand songs बहुत प्यारे प्यारे and I'm like oh my god कंगी बामा ते टूटन मेरे वाल नहीं माये so that song even I have a relation with because before the I hadn't heard her version yet there is a project that I'm doing that's going to come out soon mere to tutte vaal hi amai hai jada se main I heard it and it was like it was supposed to be my theme in that and I was like because aur usme usne jo composer unhone thoda alag so it was like
मैं ते हो गया हालों बेहाल बेवा, उसने सैड बनाया है उसको. And I was just like, that's this is such a beautiful song. ये कौन सा गाना है? They were like, it's a folk song. Yeah. And I was like, oh my god. So then when I searched for it, I found her version and I was like, what a, कितने प्यारे प्यारे. और अभी तक काफी गाने आए भी नहीं है बाहर. Imagine इतने आ चुके हैं but कितने आए भी नहीं है. So yeah. There is Bobby Jet Haya. Neha was someone I have always looked after when I was doing radio. So we right. used to feel like, "Acha, aaj, there's something special. We have to play folk music." So yeah. I used to choose always and used to fight for Neha. Me, I want Neha and Neha's songs. Because she's like, काफी globalized किया है ना. That too, she has given a Western touch, but yeah. वो folk इतना प्यारा है ना कि आपको you don't feel like. Also, there were so many songs that people didn't know, but they know because of Neha. The whole thing and not only that, even the videos that she brought yeah, were yeah. amazing. And she also gets troll for the clothing and stuff like that. Doesn't oh my god, she sings folk music. She's supposed to have chunni salwar. यार लोगों का काम कहना ही है. Hmm. तो वो उनको कहते रहने तो उन्होंने किसी को हर मैंने ये इंटरनेट पे देख लिया है कि no matter who you are, no matter what you are, no matter how old, no matter how good, how bad, how sweet, how mean, you will people जो बैठे हैं ना विल्ले वो बोलेंगे क्योंकि इंटरनेट ये दे दिया ना एक लोगों को चाबी दे दिए कि लो खोलो और जो करना है करो. सो इट्स आई डोंट थिंक इट डजंट मैटर. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच मैटर टू यू. दैट इज योर सिंगिंग, योर स्टाइल एंड योर अंदाज ए कमाल. व्हिच आर द टॉप 3 म्यूजिक और द सॉन्ग्स ऑफ योर्स यू फील लाइक आई फील गुड टू डू दीस टॉप 3? Interesting. So yeah. a lot of people, known for that. A lot of people when they ask me, they expect me to say Nagin because people, you know, Nagin and Thug Ranjha Kheech Meri Photo are the songs that give me an identity. But when someone tells me to sing a song, I'll sing Dhoondti Fira, which is a it's actually an indie sort of a song. Jo maine Yellow Diary, wo Sufi Punjabi Sufi gana hai wo. Or I'll sing a like another soft song, Dil Na Janeya. And the third one is now Manmani because Dil Na Jaane is your song. Yeah. Oh my God. Hi. Yeah, I love that song. Arijit is there, right? Yeah, there is the movie mein there was only a female version, which is me and Love, the American artist that feels so good. That and Ye Chalti Hawaye. I love this song. Thanks, Adi. Yeah, I love you. Obviously, that's what I always say that. But see, you knew Nagin is my song, but not that. But that those are the songs that I feel closer to. But लोगों को पता ही नहीं है. तो इसलिए now I'm trying to sort of get into that with Manmani, with the other few songs that are coming. कि hopefully पता चले कि actually मैं ये हूँ. वो Nagin Nagin is just an one side of me. And this is the thing in a recent interview of Sunidhi Chauhan, she did mention this thing that I was always told to sing dance. In high pitch, yeah. you know? Yep. Yeah, I meant for pappy numbers and item songs only. But there are some directors, Annu Malik got to know that Sunidhi can do soft songs. Yeah, because and she's grown up singing Lata Ji's songs. Yeah. That mehka hai man ka is Sunidhi Chauhan. Yeah. That mere haath mein. Yeah. It's so, dude, she's a, Sunidhi is a, like I literally every time I think of her, I'm like, she's a queen. Yeah. I don't think there's anybody who can ever touch her. Abhi tak, the comebacks she's making, whether that's her fitness, her dance. I might at the concert, you could see her for a while. I was rolling lagi thi, bhai. You were there in the last concert? Not this one, no, yeah. I was not in town. Your loss, I was but there. I I'm know, telling you. I was doing, I had a gig. Agar show nahi hota na, toh I would have been there. But I watched her perform on stage a lot of times and I was crying. She has also set a benchmark for the singers now performing on stage. Yeah. She dances. She goes in air, वो हर कुछ करती है बाबा. Everything she acts, she cries on hard, stage. Hard worker. Next level. Queen for a reason. Okay, so cause we have our own diction and way of speaking with the accents we have got. Indian, phalana dhimkana, I'm not talking about that. Because I've been in RJ, so when I was doing radio, in the beginning I was always told that you have a Haryanvi accent. In English and Hindi both. And that was okay. Haryanvi Punjabi. Ajah. I'm from Ambala, no? I have a Punjabi plus Haryanvi got mix. It. So I speak Haryanvi at home, but I've been doing Punjabi shows in morning in Chandigarh. Yeah.
So that was the thing which I faced a lot with the words and the diction and the accent on radio, because right. people say ki radio pe you have to be very clear cut so that people don't feel ki tum kahin aur se nahi ho, hai na? My aur was or, hai na? My on was on. Because that is Haryanvi. Yeah, of course. That's totally fine. So I changed and learned with the passage of time. How did you work on that? Were you facing these issues? Because obviously you learn dheere dheere. I used to say phir. I didn't know that it's phir. Phir, yeah. And I was like voice over karte hue mujhe itna kuch pata chala ki okay. Seekhne mila. Yeah. I think one thing I've been lucky with, touchwood, is mere na ghar pe sab artists hain. Dad was a Punjabi pop, indie pop artist growing up. Yeah. So he also writes, composes everything, very strong with his languages. Mom was an actress plus a Kathak dancer. Plus she was also a teacher. Very strong with languages. So and growing up मुझे भी ना शौक था बहुत languages का. मुझे math, geography, science सारा कुछ में zero. हिंदी मराठी English में topper. So I think because of that I've always worked on it. And ये जो आपने बोला ना, फिर मैंने ना 15 years की उम्र में I did a Punjabi daily soap. Not a lot of people know. 10th के boards खत्म होते हैं ना तो छुट्टी होती है. My mom always in Punjabi तक fair. Exactly. No. So in that show, I learned a lot of because we had a diction coach also. Because we Poonam Dhillon was playing my mom. Ooh, nice. Yeah. And Kanwaljeet Singh. Kukku jinko bolte hai. Kukku, haan ji. He was playing my dad. Now, all of us were urban Punjabis, Bombay ke. So there was a coach. So tab unhone mujhe sikhaya tha ki Hindi mein phir hota hai. Because until then, jab main gaane ga rahi thi, my dad was like, फिर कुछ नहीं होता, फिर होता है, फिर होता है. एंड हियर दे वर लाइक, इफ आई यूज्ड टू से फेर, दे यूज्ड टू बी लाइक फेर नहीं होता, फेर होता है, फेफा होता है. एंड दे वर यूज्ड टू बी लाइक लेकिन बोल, लेकिन नहीं होता, ये होता है, पर होता है, लेकिन नहीं होता है. सो आई थिंक थैंकफुली बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग सो अर्ली ऑन दैट ये बट सीखना ही पड़ता है. बिकॉज बट ऑल्सो आई वॉज ब्लेस्ड विद बॉम्बे की हिंदी स्ट्रांग थी घर पे. डैड हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट पंजाबी में बात करनी है तो टचवर्ड पंजाबी, बीजी पापा जी से बात करके पंजाबी स्ट्रांग है. तो आई थिंक ये मेरा एक मैं लकी हो गई इसमें कि घर पे भी माहौल ऐसा था. एंड बॉम्बे की एक्सेंट होती है, जैसे बॉम्बे वाले बेचारे पंजाबी नहीं बोल पाते, बट वो मेरे डैड वॉज ऑलवेज वेरी कि मेरे बच्चों को पंजाबी आनी चाहिए है, पंजाबी से गल करो घर, मुझे नहीं चाहिए. बिकॉज ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन ही सीज अ सरदार स्पीकिंग इन हिंदी एंड नॉट एबल टू स्पीक पंजाबी. ही गोज टू देम, ही सेड पाजी तुसी मेरे नाल पंजाबी से गल करो. एंड क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे में गुरुद्वारे में भी हिंदी में बात करते हैं, तो दिस इज ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स दैट माई लैंग्वेज टचवुड पहले से ही मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी बचपन से. So, because you worked with the good names, be it actors or singers and composers and the directors who were associated with you, what all things you have picked up, be it style, be it their tips, because obviously singing में you need tips. Yeah. You really need it. I really feel like अगर मैं सुनिधि को कभी मिलूंगा, I have attended her concert, but I really want to meet her personally and want to know how she works on the language. Right. Same with Shreya Ghoshal, I want to sit with her and get to know ki how to work. ऐसे 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 कैसे words निकल जाते हैं, that with no single mistake. Yeah. I do 1000 mistakes in daily. I think it's stress, practice over time. वो लोग ना, not only that, एक तो इफ यू सी आजकल के जो गाने हैं ना, ये ऑल्सो द एरा दे केम फ्रॉम, वो एक एक वर्ड उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, वो भी पुश करते थे. तो मुझे लगता है ये उनका, तो आई एम गेसिंग इट्स प्रैक्टिस. बट वॉट हैव आई पिक्ड अप, एवरीबडी टीचेस समथिंग डिफरेंट. आई थिंक मैंने बहुत सारे जैसे कुछ जगहों पे आई हैव लर्नड, लाइक समवन लाइक एट अ विशाल एंड शेखर स्टूडियो, दे विल मेक श्योर दैट यू आर लाइक as authentic, they're like, nahin, bring yourself to it. Hame ye nahi chahiye ki aap is tarah gao ya is tarah gao. Aap kaise gaoge? So, you know, being like completely honest to, equally similar with Himesh ji, he's always very like motivating in the sense ki Himesh ji na bahut sharp minded hai and he's very forward. Wo jahan sochte hai wo bahut aage ki hai. To wo he's always like ki be in tune with all the trends that are going around. If you sit with Himesh ji even till today, he'll be like, okay, what's going on? Which are the English songs you're listening to? Aajkal kya trend kar raha hai? And that is what I've learned from him, ki it doesn't matter you
तुम बन चुके हो या तुम नहीं बने हो या तुम कितने साल के हो, you need to advance. You have to always have that. He has that hunger of like being a newcomer student. तो उनसे वो सीखा और अभी भी आई थिंक सीख ही रही हूँ. फ्रॉम सुनिधि आई थिंक आई हैव लर्नड इवन आई डिड अ शो शी वाज अ जज. शी इज वेरी रॉ, देयर इज नथिंग, शी इज जस्ट रॉ. सो आई थिंक वो विद हर ना एंड बिकॉज ऑफ दैट रॉनेस शी इज वेरी ऑनेस्ट. तो आई थिंक दैट इज व्हाई देयर इज नो, यू वोंट सी हर ट्राइंग टू बी लाइक ओ माई गॉड या व्हाटएवर. वो जो है वो है. आई थिंक वो बिकॉज वो बड़ी हुई है इतनी रॉ और ऑनेस्ट कि वो अपने आप कूल भी है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम सुनिधि एंड आई एम ऑब्वियसली लर्निंग मोर एंड मोर एवरी डे फ्रॉम द पीपल आई वर्क विद. सो नाइस. ओके, आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ योर सॉन्ग. आई रियली वांट टू हियर दैट वॉइस लाइव नाउ बिकॉज आई एम नॉट पेड फॉर द कॉन्सर्ट्स ऑफ योर्स. So you have to impress nice. me so that Achha. I can get Achha, into nice. Okay, cool. Yeah. Which song is that? So much buttering I've done. Haan. Ye kaun sa gaana hai? So much buttering I've done to you. Any song Achha. You want. I am too happy. Koi bhi. How many am I going to sing in total? So main order of preference mein gaun. Nahi, I'm serious. Five, throughout six, the maybe. Interview. 5-6 maybe. Throughout the interview, I'm going to sing 5-6 songs. Achha, nice. You've decided that. I believe. Main baat karne ke liye gaa to diya maine. I think the first one I let me sing Dil Na Jaane. Chal, you like that song also? Yeah. I also love that song. And since Diljit Dosanjh is the love of my life, and unke liye maine picture mein bhi gaya tha, so I'll sing for him. Ye chalti hawaein, baatein, baadon mein shaam hui raatein. ख्वाबों के नाम हुए तारे, कहानी बुनते रहे. आखे ये भोली भोली बोली, बोली ये कैसी बोली बैठे, दोनों सुनते रहे. ये चलती हवाए ले जाए कहाँ, एक दूजे के जाने बिना, अब दो दिलों की हुई यारियाँ. दिल ना जाने ना जाने दिल ना जाने दिल ना जाने. So nice. आंखें बंद और फिर जादू टंटनन. मैं आंखें बंद करके गाती हूँ. मेरी feelings तभी बाहर आती हैं. We must have imagined all of that, ना? But yeah, love of life. Yeah. Reality shows से नाता आपका है? हाँ. ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं नहीं, बता रहा हूँ कैसा है. वो पूछ रहा हूँ. कैसा है? शुरुआत में तो सिर्फ सिंगिंग किए थे. रियलिटी शोज बड़े प्यारे प्यारे, सब इतने अच्छे अच्छे. शी इज लाइक, भाई तू प्रिपेयर करके भी आया कुछ मेरे बारे में कि नहीं? तू पूछ रहा है कि आई नो. और नहीं तो क्या, कौन सी रियलिटी शोज किए मुझे बताना. यू हैव डन बिग बॉस. हां पता था, वो तो सबको पता. उसके अलावा बताओ. उसके अलावा यू डोंट नो रियलिटी शो जहां पे सुनिधि चौहान वाज अ जज. हां नहीं पता. नो है, मैं जवाब भी ऐसे दूंगी फिर. हां देखो मेरा पर्स बेचारा गिर गया सोच के कि इसलिए you are not supposed to cross question me. I am the love of world. This is the same color as my. Oh my God. Oh my God, is the same exact color. Yeah. मैं इस पे लिखने वाली थी पर मुझे याद है. You can do that यहाँ पर if you want to try. So. I'll give you an autograph if you need. My friend will kill me. Oh. Because she's the one who taught me about please value your purse. यार मुझे शौक नहीं है ये सब. इतने पैसे खर्च करके जो पर्स लेते हैं हम, क्यों? है ना? क्यों? मैं उससे अच्छा अपनी बाइक पे खर्चा करूँ, गाड़ी पे खर्चा करूँ. दिस ऑल दिस इज, चलो दिस वन इज नॉट सुपर एक्सपेंसिव बट ये अगर मैं करूँगी तो मुझे, लास्ट टाइम भी उसने मुझे बोला था क्योंकि मैंने इसे नीचे फेंका हुआ था. गुची. अच्छा, यू आर ऑल्सो अ पर्स पर्सन? नो नो बाबा, बट आई एम अ पर्सन हु इज थोड़ा सा चीजों का ध्यान नहीं रखता. नहीं रखते ना? हाँ तो वही. बस She literally has seen it on my Instagram live and she's called me later and she's been like, वो तेरा जो नीचे पड़ा हुआ गुची का पर्स है. I'm like, तुझे कैसे पता? She's like, उसको उठा और औकात में रख. And I was like, okay bro. पता कहाँ से कॉल कर दी मैंने?
टोरंटो से, कनाडा और टोरंटो के बीच में कंफ्यूज हो गई. टोरंटो या इट्स टोरंटो. एक दोस्त होती है ना जो गाइड होती है कि कासा नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस, इन्वेस्ट इन दीस बैग्स. Oh, you have a friend like that. So lucky. Yeah, yeah, she's at least you've not got Nagin like your song. Huh? You've not got Nagin like in your song. Oh wow! So, flaunts only. Do mujhe. Aayegi nahi lekin. Aa jayegi. Nahi aayegi. Aise. Teri bina sune bardesi Nagin ting 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 ting. Very nice. Yeah, na. Why are you wearing a Nag? Because like there are Nagins. I don't like Nagins. There are some Nagins in my life. Yeah, there are Nagins in everyone's life. हाँ ना? खाली आस्था और मेरी जैसी Nagin हो तो ही ठीक है होता है. क्योंकि हम बहुत ही प्यार वाली Nagin हैं. Yeah. So talking about Big Boss, I just wanted to know कि why are you talking about Big Boss? Talk about other reality. Because there is Big Boss 17 coming on, right? I want already. Big Boss 17 is on the way. भाई अभी तो वो खत्म हुआ एक. That was OTT. Oh. It is Big Boss Colors Big Boss. One minute. The one that just finished was not OTT. It was Salman Khan's. But it was OTT with Salman Khan. The one that put up with Elvish. Yeah, yeah, yeah. Dude, I thought it, but it, there's no difference now, is there? Nahi hai na difference. No. Same hai. Yeah. So one. More shorter. OTT yeah, yeah. Shorter. Like ek mahina aur wo teen mahina na. That's the case. Hey, but I want to know like. Mahina hi theek rehta hai bhai. So how's it with you and how do you see Big Boss and reality shows in India, especially Big Boss, because I want to talk on that. As it is coming, any approaches you've got afterwards, even that Akasa will love to see you again. Why would I wouldn't love to see myself again? Nee, I'm great on the outside of Big Boss. एक तो ना जस्ट राइट नाउ ओनली समवन वाज आस्किंग मी हाउ वाज इट, आई वाज लाइक ना मैंने ये देखा कभी. जो मैं वहाँ पे अंदर जाके बस मैंने बोला क्या है पर्सनैलिटी शो ही तो है, मैं दिखाऊंगी ना, पर क्या रियल रियलिटी रियल रहना सिर तो सुहा नहीं कुछ भी, सीख के जाना पड़ता है, आंखें खुली रखनी पड़ती है. और इतना अगर मेरा दिमाग इतना चंट होता जिंदगी में तो मैं कहाँ की कहाँ होती, जो मैं नहीं हूँ. तो मैं ये वाले माइंड गेम्स मुझे तुम कॉकरोचों के साथ खिला लो, मुझे असली सांपों के साथ खिला लो, वो मुझे. Are you indirectly stating that you love to do खतरों के खिलाड़ी? Yeah, yeah. Listen, they've been before I went into the show. They were because मैंने Viacom के साथ एक शो किया था बहुत पहले, Angels of Rock, which was also a reality show, amazing. तो तब से that was in 2000 maybe I don't know 15, 14, 15, 16 I don't even remember. But तब से they used to be like we would like you to do Big Boss and I used to first just laugh. Be like आपको मैं लगती हूँ. इस बार जब मुझे कॉल आया तो मैं जिंदगी में कुछ चल रहा था मेरे कि मैंने कहा भाई मुझे बस भागना है, मैं तंग आ चुकी हूँ. और लिटरली तभी कॉल आया, हम लाइक यहाँ भाग जाती हूँ, ये तो बेस्ट जगह है. गलत डिसीजन, ऐसा कभी मत करना. अगर आपकी मानसिक संतुलन या मानसिक संतुलन बिगड़ा हो और स्थिति अगर आपकी सही हो, हाँ, तो आप और बिगाड़ने ऐसी सब चीजें मत कीजिए. बट हैविंग सेड दैट आई एम ग्लैड आई डिड इट. Because obviously it was an experience. It taught me a lot. मैं बहुत बड़ी होके आई हूँ उस शो के बाद. मुझे लगता था दुनिया बहुत प्यारी सी है, जो एक्चुअल में दोस्त होते हैं वो दोस्त ही होते हैं, जो प्यार करते हैं वो प्यार ही करते हैं. वहाँ जाके मैं बहुत बड़ी हुई. और एक महीने में जब 4 हफ्ते थी मैं अंदर, मैं बाहर आई पड़े थे, मैंने मम्मी डैडी को डांटा कि आपने मुझे कौन से ये बबल के अंदर घुसा के रखा है, दुनिया तो ऐसी है ही नहीं. So true. ये क्या है. वहाँ पे मम्मी भी मुझे, मम्मी ने ही भेजा था, शी इज अ ह्यूज बिग बॉस फैन. शी इज लाइक तू यहाँ मन पे इस लाइक तू घर पे तो बड़ा लड़ती है. आई एम लाइक मम्मी घर पे रियल लड़ाई होती है ना, तो रियल लड़ाई मैं कर लेती हूँ. वहाँ सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना तो मुझे पसंद ही नहीं है. सो इट वॉज इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बट यू नीड टू रियली बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है. यू कांट बी अ नाइस पर्सन. ओके. You can sing any song if you want to. Haan. Doesn't matter ki sirf apna hai. Any song you want. I am giving you 5 situations. So you have to sing the song accordingly only. Haan. Stuck up in a lift with a hot boy. Kadi te closer ya. Main tere heart nu touch kar la. Ye jatni vichhe nahi hatni. Tu ek din mera hi hona. Oh, ethe ya. Kud ka hi gaana maine. Hey, kaisa tu? Meeting your ex-boyfriends in the present scenario. I'll sing this. No, actually, this song I'll keep for later because we will talk about my song Manmani, jiske liye hum aaye hain yahan pe.
We will. Yeah. But this, I have a song for this. There is a song that I've sung. Ke yaad na tu kabhi, na tu kabhi, yaad na. जाने दो जो हुआ मिल जाएगा फिर कोई यूं गुजर जाएगी जिंदगी. This for my ex. Got your bestie with a guy you warned her about. Oh. Thank God. It is a real situation. I can see that, right? I can sense it out. I will first उसके कान पकड़ के बेस्टी को साइड में करूंगी एंड देन आई विल बी लाइक केड़ा वे तू स्टार तुझसे हजार देखे यार मैं धोखे का बाजार है तेरा प्यार तू बने बड़ा ठग रांझा ठग रांझा ठग रांझा. दैट यू नो आई हैव सम वन. या आई नो दैट. नाउ आई एम टेस्टिंग यू आदि. दिस इज योर इंटरव्यू. हां आगे बोलो. SRK invited you for the dinner at Mannat. Oh my God. Yeah. फिर मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगी इसको. मैं तो चली आ तेरी ओर मैं तो चली. After Jawan, I've just I used to be an SRK fan growing up and I watched Jawan and I was like, boom. ये लो आप. दिल्ली ले लो. Nice. Your reaction when AP Dillo song made with you and ऐसा कुछ. मेरे लिए बनाया अगर. Yeah, if with you and something like that. My reaction to what? AP Dillon's song. Nothing. I thought it was very cute. I was just like. You have to sing a song. That one. Teri yaad vich mar suttiyan tenu na 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 na. Agge mainu aanda ni inna hi aanda si. Teri yaad vich mar suttiyan ve mainu chhaddeya ni kakhra. वे मनु छड़े अन ककरा. ओके हैव यू लिसन टू दिस पंजाबी सॉन्ग सॉफ्टली करण औजला. या आई लव इट. आई डोंट नो द लिरिक्स बट व्हाट बीट्स. यू डोंट नो. ना 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 ताई सोचा गोंडला पवालवा. आई लव इट एंड आल्सो द थॉट बिहाइंड इट कि मैंने सोचा कि तेरी गाड़ी वाड़ी से अपने सूट भी मैच कर लूं. चुन्नी चुन्नी सूट दोनों ही आगे फैंटम के साथ सूट सलवा ले. यहां पे बोलता है ना तो फिर आई लव द सॉन्ग. I think it is amazing. मैंने अभी उस पर कल परसों ही मैं वर्कआउट ही कर रही थी उस पर. मैंने पोस्ट भी डाला उस पर. आई थिंक इट्स अ कूल सॉन्ग. आई थिंक करण औजला इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट. अमेजिंग आर्टिस्ट. अमेजिंग अमेजिंग. सो दिस इज पंजाबी सिंगर इफ यू नो अबाउट चमकीला. ऑफ कोर्स. अ सॉन्ग ऑफ हिम. देयर वाज अ सॉन्ग व्हिच कन कर गल सुन मक्खना. दैट वाज द वन आई थिंक बिकॉज़ उसका ना मैंने रीमेक कन कर गल सुन मक्खना. Yeah, that is, I don't know the lyrics, but yeah. So true, so true, so true. There is a, let's not, never mind. Oh. I just realized I'm not supposed to reveal that. Okay, tell us about your song because it is boom, boom, boom. And that's Manmani I'm doing to my show. Did you watch the video first? Yeah, I have seen a Lies. Bit because I was stuck up with 10 of the interviews today. So I was like, I'll just talk to you because you are the real person. So I just see smart. The videos. I'm very smart. No. No. Dekh lo yaar. Tell me no about it. Like, I just want you to tell me. Okay. So this is Manmani is pretty much. Yeah, sab log, like you know me for Nagin, you know me for Keech Meri Photo. Keech Meri Photo. People know me as this like, oh, Thug Ranja, this badass, whatever. Thoda bahut jisne mujhe Big Boss mein dekha, they were like, arre nahi, ye to kafi softy si. Achhi to chalo sabhi achhe hote hain, but ye to kafi emotional si, softy si hai, ye Nagin sirf banti hai. So I was like, finally, agar logon ko pata chali hai, to main aise apne gaano ke through bata bhi dun ki yehi hai true. And it is a song about, you know, when you're in a relationship, often like when if you break up and the whole world says what ki move on, let it go, bhul ja, whatever, stop. But I feel like in your life, if you've been in a relationship, especially a long-term relationship, there are good parts also. Na? Matlab kabhi na kabhi to khush rahe the. So I feel like ki kisi bhi relationship, achhi memories bhi thi na. जो भी हो वट एवर इट इज़ अच्छी मेमोरीज
आई विल डिसाइड वॉट आई वॉन्ट टू डू. तो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. ले जाऊंगी मैं यादें सारी, बस कर ली मैंने ये मनमानी. दैट इज व्हाई आई रोट दैट बिट. So Akasa, people are loving you for the work you have done so good, and people are also guessing your songs. Oh, this is Akasa ka gana. People are not you. No, I am people. No, I am janta. I am journalist. I represent janta Janardan. So yeah, Ganesh Chaturthi guzri hai filhal. I want a song from you for the same. I just love it. No, I'm gonna sing Manmani. Why will I sing? Okay, do you do Manmani with your Manmani song? Yeah. Nice. I'll do my own Manmani and I'll sing Manmani. You tell me first, what you have you recently broken up? No. I'm नोबडी शर्माने ही लग गया. I don't get it. Why every guest usually come on my relationship in my thing? अरे नहीं, मेरा गाना है. मुझे जैसे अगर मैं जब अब गाने वाली. Tell me, I am becoming a star. Are you dating someone? Are you like what? First, I'll finish this song. Okay. Then we'll have to discuss. Yeah, then I will discuss. I'm not dating. भाई दिल दुखने वाला गाना लिख दिया है, दिल तोड़ने वाले चार और गाने आ रहे हैं. तो क्या मैं रिलेशनशिप में होंगी? ब्रेकअप हुआ है? ब्रेकअप हुआ था थोड़े टाइम पहले. एंड प्लीज, आई वॉज नॉट नेवर डेटिंग anybody from Big Boss, nor did I date them after. फॉर गॉड सेक. तो वो वाला डेटिंग अ सिंगल. A lot of people are like कि ब्रेकअप मतलब उसकी बात कर रही हूँ. नहीं, किसी को नहीं डेट किया मैंने. बट उसके पहले ही आई वाज डेटिंग समवन. तो उसी को ही ब्रेकअप चल रहा है अब तक. था कोई यार, यू डोंट नो हिम. हां, मतलब नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. अ बिट फ्रॉम द इंडस्ट्री. काइंड ऑफ. व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इन टाइप ऑफ इंडस्ट्री? है भी नहीं भी. ओह, ऑन ऑफ. नाइस. सो जस्ट गिविंग यू अ थिंग दैट आई एम कमिटेड. ओह, देन यू वांट टू रिलेट टू द सॉन्ग. यार चलो एक्स के बारे में सोच लेना. हां, जो अगर लंबा रिलेशनशिप होता है उसमें ये भी होता है कि द लाइन्स आर कह दो नहीं क्या तुम अब बोलोगे क्या मैंने है कहना कह दो इट्स ऑल ओके फिर भी रूठे रहना अब लगते हैं बहाने बहाने लगते जो वादे थे और चाहे तू ये माने न माने अधूरे रह गए हूँ लबड़ा है प्यार साडा नी लबड़ा अपना है बस तेनू सी मनिया ले जाऊंगी मैं आधे सारी तररा बस कर ली मैंने मनमानी ले जाऊंगी मैं आधे सारी पिया बस कर ली मैंने मनमानी. So, ये तो करंट. I loved it. First time you heard the song, na? Yeah. Interview के पहले भी नहीं सुना है. Now go and hear it. I'm happy that I can hear it up the very first time from you directly only. कौन जाए YouTube पे, you know? आप चले जाएं. आप तो मैं जाऊँगा. I'll comment. Video में मैंने I have no makeup. I'm crying. I'm acting for the first time. Yeah. Ooh, nice. Not for the first time. You also look like. Do you know Richa Chadda, Bholi Punjaban from Fukre 3? Yeah. Yeah, you look like her daughter. So like. In just the movie? Yeah. So again, in case not, she doesn't have any daughter in the movie, but you look like Richa Chadda's young version. Oh, achha, so achha, if the makers are looking for Bholi Punjaban's kudi, so she's there. Maybe Pulkit ke saath, Honey ke saath, aapka affair bhi chal sakta hai film mein. Plot given to the makers. Nice. All around. Nice. But anyway, I'm debuting as an actor finally also. Ooh. So jahan se shuruaat ki thi, fir wahi. लैंड हो रही है. सारे गाने तो आप खुद ही करेंगे. बजट में बोलेंगे मैडम आप गाती भी हैं, हमारे गाने भी. एक्चुअली मैंने जो मैं कर रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ वहाँ गाया भी है. बट या इट विल कम आउट सून ऑन सोनी लिव. देन वी विल डू अनदर इंटरव्यू अबाउट दैट. व्हाट इट इज? इट्स अ वेब शो. व्हाट काइंड ऑफ लव, रोमांस, ड्रामा? यू आर प्लेइंग अ विलन. द ओनली थिंग आई कैन से इज द शो इज कॉल्ड चमक.
एंड देर आर टू सॉन्ग्स दैट आर ऑलरेडी आउट एंड उसका वाइब आपको मिल जाएगा इन द अबाउट व्हाट इट इज. उससे ज्यादा कुछ बताया नहीं. इट्स बेस्ड आउट ऑफ पंजाब एंड इट हैज टू डू विद म्यूजिक. I'm meeting him tomorrow. Yay! Yeah. He'll probably talk about the show. Yeah. I'll ask that I met you, so let's talk about. No, but we don't have any this thing. The only connection. Together. No. Suvinder Vicky, who was in all these shows that just came out, he's become like the Netflix ka king. Sikh police officer. He's playing my dad, and him and. I was talking to Sayadeh. I really believed that we were enjoying it. Who are you talking about? She's mad. I was really good. It was amazing. Acha main pangi nahi lu, mere sath dhruva aur dhruva the interview mere se apne jo pangi liye hai. Hi hi, main to koi pangi, main pangi nahi suni yaar. Mera aam to pehla jithi main gal karni si, but it the good thing is that you didn't try to get out any gossip from me, which I loved. Kyunki maine khud hi aapko gossip de di. Maine khud hi de di. Acha, main lagata hum dono baith ke bahut gossip karne wale hain, but hum acha pata tha. How mujhe laga tha. Lagata kaise? Pehle mil ke 2 minute mein hi lag gaya tha ki kyunki main fir main ekdam specially punjabi and vibe match kar jati, fir main sab bata deti hu. सिर्फ बॉम्बे वालों को पसंद है मुझे लगता है कोकम. आई हेट इट मैम. सही वाला नहीं पियोगा. आई लव लस्सी. चक दो लस्सी. ठीक है लस्सी पी लेंगे यार. बड़े बड़ा चेर हो गया लस्सी नहीं पीती. पर शुगर फिर कोई नहीं. केड़ा लगना तानू? लगना नहीं. मेरे पिंपल आ जाते ने. मैं वेट दी गल नहीं कर रही. लुक एट दिस फेस. तो शुगर और डेयरी जिद्दा ही बंद करोगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा. हां. ओ मैं आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड. ओके थैंक यू सो मच. इट वाज एंजॉय टॉकिंग टू यू. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मिस्टर आदि. तब पूरा नाम क्या है? Aditya Rana from Haryana. That's the Aditya Rana from Haryana. Always with rhymes. Nice. Yeah, nice. Na? But Adi is good. Adi is good. So I'll have one last thing. You have to sing 3 of the songs. Okay. I'll be naming the situation. First, you'll be singing Khich Meri Photo from the hook, and then you'll be singing Nagin, then you'll be singing Thagranja. Tino to maine ga di hai. You'll get to know why I'm saying that. So, we are doing this. हाँ, जब आप पहली बार लड़की को मिलते हैं और आपसे अपनी पसंदीदा चीज़ें करवाती है और आपको उम्मीद होती है कि शायद वो लड़की आपसे पड़ जाए क्योंकि वो आपके पास जो आईफोन है उससे रिझा चुकी होती है खुद को. सो शी यूजली डू व्हाट? तू खींच मेरी फोटो पिया. फिर आपको एहसास होता है कि आपकी जो लड़की जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसके आपने फोटोज ले ली हैं, वो तो कुछ और ही निकली. क्या निकली वो? नागिन गिन 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 मर गई. फिर आपको अंत में यही पता चलता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी. उसने आपको दोषी ठहरा दिया. फिर आप पे ब्लेम लगाया जाता और कहा जाता है तू बने बड़ा ठग रांझा.